माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष पद पर निर्विरोध आप निर्वाचित हुए हैं और इसलिए मैं हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगी। ये लगातार आपकी पांचवी बार जीत हुई है और हम लोग इस हाउस में एक साथ कई दिनों के लिए बैठे हैं। आप जैसा जनप्रिय, ईमानदार और समर्पित जनप्रतिनिधि हम लोगों के बीच पे आज इस कुर्सी पे बैठे हैं, इससे मुझे और हम सबको ये विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर हम आपकी ओर से न्यायोचित कार्रवाई हम सब के लिए, अब ये तो अभी कह ही रहे थे, परंतु मैं समझती हूँ कि ये इनकी ही बात नहीं है, हम सब की बात है और हम सबको ध्यान में रखते हुए आप हम सबको मौका देंगे अपनी बात को इस सदन में रखने की। भाजपा सरकार के अंदर आपने बहुत अच्छे अच्छे और बड़े पद एक दफा संभाले हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे उच्च शिक्षा का हो, चाहे ग्रामीण विकास और पंचायती राज के महत्वपूर्ण विभाग हो, आपने उनको बहुत ही तरीके से संभाला है। अपने और आपने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी और बड़ी उपलब्धियां अर्जित की हैं। मैं समझती हूँ कि आपके कार्यकाल के समय जो शिक्षा के अंदर हम लोगों ने कदम उठाए थे वो एक किस्म से सर्वमान्य रहेंगे और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे एक एक्सपीरियंस्ड और अच्छे इंसान को इस सदन के अंदर इस सर्वोच्च पद पर आसीन होने का आज अवसर मिला है। ये सदन एक तराजू की तरह है, इसके दोनों एक किस्म से पलड़े बराबर होते हैं, एक तरफ पक्ष है दूसरी तरफ विपक्ष है। मेरा पूरा विश्वास है कि दोनों पलड़ों को आप संतुलन से, ईमानदारी के साथ इनको बहुत अच्छी तरह से संचालित करने का काम करेंगे। आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं हम सब की ओर से आप प्रार्थना करती हूँ कि ये आपका जो कार्यकाल होगा एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक कार्यकाल हम लोगों के लिए होगा।